भैया, अब मेरे माँ बाप नहीं रहे तो इसका मतलब उस घर में मेरा आना जाना ही बंद हो गया। अच्छा फर्ज निभा रहे हो भैया आप मेरी राखी का। ये ले रख तेरी राखी, 5 रुपए में मिलती है बाजार से ये तेरी राखियां। भैया आप कैसे हो? और भाभी जी साथ नहीं आए, वो ठीक तो है ना? हाँ वो बिल्कुल ठीक है बहना, पर तू उसके मूड को जानती है ना। भैया आप बैठो, मैं आपके लिए ना पानी लेकर आती हूँ। ये मकान की छत को क्या हुआ? भैया रात को ना तेज आंधी आई थी और उसकी वजह से छत टूट गई, बस उसे ही ठीक कर रही थी। अच्छा अच्छा बहन, तू जल्दी से मुझे राखी बांध दे, मुझे लेट हो रही है। और तू तो तेरी भाभी का स्वभाव जानती है, मैं उससे झूठ बोल कर आया हूँ कि कहीं मैं काम से जा रहा हूँ। बहन तू लेट मत कर, फटाफट मेरी राखी बांध दे। और भैया जब भाभी आपके हाथ में बंधी हुई राखी देखेगी तब वो आपको नहीं कुछ बोलेगी? बहन तू उसकी टेंशन मत ले, मैं उसको बोल दूंगा कि मेरी एक कॉलेज टाइम की मुंह बोली बहन थी, वो मुझे मिल गई, उसने मुझे राखी बांध दी। तू जल्दी कर, मुझे लेट हो रही है। ठीक है भैया अभी लाता। ठीक है बहना मैं चलता हूँ। अरे एक बात तो मैं भूल गया, ये तेरे लिए राशन का सामान लाया था, 2-3 दिन काम आ जाएगा तेरे, अच्छा रहेगा। ठीक है मैं चलता हूँ बहना। भैया एक मिनट, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोल, क्या बात करनी है? भैया मुझे ना 2000 रुपये उधारी दे दो, मकान की छत टूटी हुई है उसे ठीक करवाना है। आपके जीजा जी के जाने के बाद भैया आपके सिवा मेरा और कोई सहारा नहीं है। मैं आपके पैसे ना जल्दी वापस कर दूंगी। देख बहना मेरे पास पैसे नहीं है, तू तो जानती है सारे घर का हिसाब किताब तेरी भाभी रखती है, मेरे पास कहाँ से होंगे पैसे? मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं भी उससे उधार मांगता हूँ तेरी भाभी से। तू एक काम कर, बड़े भाई साहब से पैसे ले ले। देख आधी ज़मीन आधी जायदाद तो उन्होंने ले ली, अब वो क्या तेरी मदद भी नहीं कर सकते क्या? भैया मैंने उनसे पैसे मांगे थे पर उन्होंने मना कर दिया। तो मैं क्या करूँ, मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। भैया आप ना एक काम करो, आप मुझे और मुन्नी को ना अपने साथ घर ले चलो, बारिश का मौसम है और छत भी टूटी हुई है, हम ना 10 दिन बाद वापस आ जाएंगे। अरे गुलाबो तू पागल हो गई है क्या?
तू मेरा बसा बसाया घर उजाड़ना चाहती है? तू तेरे भाभी के स्वभाव को जानती नहीं क्या? भैया, अब मेरे माँ बाप नहीं रहे तो इसका मतलब उस घर में मेरा आना जाना ही बंद हो गया। अच्छा फर्ज निभा रहे हो भैया आप मेरी राखी का। ये ले रख तेरी राखी, 5 रुपए में मिलती है बाजार से ये तेरी राखियां। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हम अपनी जो भी वीडियो बनाते हैं वो एकमात्र मनोरंजन की दृष्टि से और समाज को संदेश देने की दृष्टि से बनाते हैं। अगर किसी भी कारणवश वीडियो की वजह से आपका दिल दुखता है तो हम हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हैं। और अगर आप सबको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब के साथ जो एक छोटी सी बेल आइकन है ना, उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।